हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेट फंक्शन के बारे में बताएंगे। अब लेट फंक्शन जो है ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में, और इसके जो बेसिक एडवांटेजेस हैं वो इस शीट पर मैंने दिए हैं। आप जब हम एग्जांपल इसके करेंगे तो फिर आपकी समझ में आएगा। लेकिन इसके एडवांटेजेस सबसे पहले तो इसका एडवांटेज ये है कि ये जो आपके शीट में अगर कम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं तो फिर उन कम्प्लेक्स फार्मूलाज को आप लेट फंक्शन के थ्रू आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट इस के बारे में ये है कि आपके अगर फार्मूलाज में कैलकुलेशंस हैं वो फिर आप आसानी से रीड भी कर सकते हैं, और फिर अगर आप रीड आसानी से कर सकते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप अंडरस्टैंड भी आसानी से कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ के आप लेट फंक्शन के अंदर जो है वो आप नेम्स को डिफाइन कर सकते हैं, और फिर उन नेम्स के थ्रू आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। मतलब आप नेम्स फार्मूला के अंदर डिफाइन करेंगे और फिर उनको यूज़ भी कर सकते हैं उसी जो फार्मूला है उसके इनसाइड। और फोर्थ जो इसका इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप लेट फंक्शन के अंदर आप नेम्स जो है वो आपस यूज़ करते हैं और फिर उन नेम्स पर आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो इससे आपकी जो स्प्रेडशीट की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है और आपका जो वर्कशीट है वो एफिशिएंट हो जाता है। तब हम जो लेट फंक्शन है इसका एक सैम्पल एग्जांपल करके देखते हैं और फिर इसका एक हम कम्प्लेक्स एग्जांपल जो है वो करके देखेंगे। अब यहाँ पर लेट सपोज मैंने आपसे कहा था जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको बताया कि लेट फंक्शन जो है वो आप फार्मूला जो लेट फंक्शन है उसके अंदर ही आप नेम्स को डिफाइन करते हैं और फिर वहाँ पर आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो लेट सपोज आप लेट फंक्शन जो है ये लेट फंक्शन आपने टाइप किया, फिर इसके बाद ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर लिखा रहा है कि नेम वन। अब यहाँ पर हमने एक्स जो है एक नेम हम डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद कॉमा और ये देखें नेम वैल्यू वन। अब एक्स में हम वैल्यू जो है वो पुट करना चाह रहे हैं टू। ओके, अब अगर इसके बाद कॉमा आप लिखेंगे तो फिर आपसे कहेगा कि नेम जो है नेम वैल्यू टू। ये देखिए कैलकुलेशन, आप यहाँ पर आप कैलकुलेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप सेकंड जो नेम है या वेरिएबल है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं एक और वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ वाई, और फिर इसके बाद कॉमा, और इसके बाद ये क्या दिखा रहा है कि नेम वैल्यू टू। तो हम वाई में जो सेकंड वेरिएबल है हमारा उसमें हम लेट सपोज थ्री जो वैल्यू है वो स्टोर करना चाह रहे हैं। इसके बाद कॉमा, तब हमने दो नेम्स या फिर दो वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन किए। एक्स में हमने वैल्यू स्टोर की टू और y में हमने वैल्यू स्टोर की 3। अब यहाँ पर हम और जो वेरिएबल्स है वो या नेम्स है वो डिफाइन नहीं करना चाह रहे, बल्कि हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। देखिए कैलकुलेशंस आर नेम 3, आप नेम 3 एक और वेरिएबल, इस तरह बहुत सारे 100 से ऊपर है, आई थिंक 126 वेरिएबल्स है आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने दो जो नेम्स है वो डिफाइन किया और इसमें हमने वैल्यूज़ जो है वो स्टोर की। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल जो है एक्स को प्लस करना चाह रहे हैं वाई के साथ। तो आप एक्स और फिर प्लस आप प्लस और वाई, और इसके बाद आप ब्रैकेट्स क्लोज कर लें, और ये देखें एक्स में 2 वाई में 3, और फिर हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं एक्स को प्लस करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं वाई के साथ। तो हम एंटर करेंगे जो देखिए 5। तो इसी तरह से आप जो है लेट फंक्शन के इनसाइड ही आप वेरिएबल्स को या फिर नेम्स को आप डिफाइन भी कर सकते हैं और फिर उनको यूज़ भी कर सकते हैं कैलकुलेशंस के थ्रू। अब यहाँ पर हम इसका एक एग्जांपल जो है वो करके देखते हैं। यहाँ पर ये देखें, अब हमारे पास ये जो है सेल्स, इस सेल्स को जो है इसको हम लेट फंक्शन के इनसाइड जो है वो डिफाइन करेंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे कैलकुलेशंस में कि अगर ये जो सेल है सेल्स है ये अगर 10,000 से अबव है तो हमारा जो टारगेट है वो हम कहेंगे कि अबव है, और अगर 10,000 से कम है तो हम कहेंगे कि हमारा जो टारगेट है उससे बिलो है। तो लेट सपोज यहाँ पर हम जो है ये कैलकुलेशन जो है वो करना चाह रहे हैं, तो लेट तो आप इज इक्वल टाइप करें और फिर इसके बाद लेट। अब यहाँ पर नेम वन जो है ये सेल्स जो है हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया सेल्स या फिर नेम डिफाइन किया सेल्स, इसके बाद कॉमा। अब सेल्स जो है इसमें हम क्या पुट करेंगे, यहाँ ये जो यहाँ से यहाँ तक जो सेल्स है इसको हम सम करना चाह रहे हैं, तो इज इक्वल टू सम और फिर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर दें यहाँ तक और फिर ब्रैकेट्स क्लोज कर लें। तो हमने क्या किया कि एक
नेम या वेरिएबल डिफाइन किया और फिर उस वेरिएबल में हमने यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यूज़ है इसका सम उसमें पुट कर दिया। अब हम कॉमा, अब हम ये जो सेल्स का जो वेरिएबल है इसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं एफ़ फंक्शन में। तो कैलकुलेशन हम क्या करना चाह रहे हैं, एफ़ अगर हमने ये जो सेल्स डिफाइन किया है, ये सेल्स अगर ये ग्रेटर देन है 10,000 से, ये देखें 10,000 से, तो फिर वैल्यू क्या हो, हम यूज़र को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम अबव है टारगेट से, सॉरी अबव, फिर इसके बाद कॉमा, वैल्यू है फॉल्स क्या है कि अगर ये 10,000 से कम है तो हम यूज़र को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम बिलो है टारगेट से। तो आप इन्वर्टेड कॉमास के इनसाइड आप क्या लिखिए, बिलो, और फिर आप ब्रैकेट्स जो है वो आप क्लोज कर लें। देखिए एक इसके लिए एक ब्रैकेट्स और एक ये जो एफ फंक्शन है इसके लिए ब्रैकेट, और फिर आप ये देखें बिलो, अब ये हमारे पास अगर आप इसको सम कर लें यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं इसको अगर आप सम कर लें तो ये देखें इसका सम जो है ये अबाउट 7,000 आ रहा है, तो ये बिलो है। अगर हम एक वैल्यू को लेट्स बम्प कर लेते हैं, बम्प अप कर लेते हैं, 2,000 कर लेते हैं, फिर भी कम आ रहा है, इसको हम 3,000 कर लेते हैं, ये देखें अबाउ आ गया है, सही है। अब ये 300 आप कर लें, कम कर लें, तो ये देखें अब ये यहाँ पर ये सम, ये हमने ये देखें हमने लेट फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल्स को डिफाइन किया और फिर हमने फार्मूला जो लेट फंक्शन है उसके इनसाइड ही हमने वहाँ पर इस पर कैलकुलेशंस की। तो ये जो लेट फंक्शन है इसके अब यहाँ पर हमने ये जो बताया था आपको कि ये जो आपके कम्प्लेक्स फार्मूलाज है इसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो आप इजीली फिर आप रीड कर सकते हैं लेट फंक्शन के अंदर। फिर आपको रीड करना आसान होता है तो ऑब्वियसली आपको अंडरस्टैंड करना भी आसान होता है, और फिर आप फार्मूला के अंदर ही आप जो है नेम्स डिफाइन कर रहे होते हैं तो आप जो नेम्स हैं उसको फिर आप चूँकि आपने फार्मूला के अंदर ही डिफाइन किए हैं तो आप इसको आसानी से रिमेंबर भी कर सकते हैं। और जो फोर्थ मैंने आपको बताया था कि आप जो नेम्स हैं उसको आप असाइन कर लेते हैं फार्मूला के अंदर तो आपका जो स्प्रेडशीट है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है और आपका स्प्रेडशीट जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो में कोई इशू हो तो आप इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर आप कमेंट करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।